दिल्ली से हिमाचल घूमने आए युवक जो राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ व बिलासपुर के जामली के समीप पहाड़ी से नीचे गिर गए थे और बाल बाल बचे, इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये युवक पहाड़ियों की सेल्फी लेने के चक्कर में नीचे गिरे। जी हां, सेल्फी का कुमार लोगों पर इस कदर भी चढ़ सकता है कि उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि वह किसी बड़े हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। ऐसा ही वाकया चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी हुआ, जब दिल्ली से मनाली जा रहे पर्यटक सेल्फी के चक्कर में जामली के पास खाई में जा गिरे, जिनसे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। जबकि घायल हुए दोनों युवकों का कहना है कि वह शौच के लिए गए थे, उन्होंने कैमरे पर भी कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों स्थानीय लोगों का कहना है कि वह सेल्फी ले रहे थे कि अचानक नियंत्रण खो बैठे और दोनों पहाड़ी से लुढ़क गए। गनीमत यह रही कि उनकी जान बच गई। बाद में वह अपनी ही गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। गौरतलब है कि दिल्ली से मनाली की ओर घूमने आ रहे पर्यटक चेतन सेन बेनर्जी व दीवांशु जामली के पास रुके। यहां पर चेतन सेन बेनर्जी ने खाई किनारे खड़े होकर एक फास सेल्फी लेनी चाही, लेकिन एकाएक ही दोनों अपना संतुलन खो बैठे, जिसके बाद दोनों खाई में गिर गए। शोर सुनकर वहां पर उनका तीसरा दोस्त दीवांशु भी आ गया, जिसने खाई में उतरकर दोनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। खाई में गिरे चेतन व सेन बेनर्जी की गहरी चोटें आई हैं। बाद में दोनों को अपने ही वाहन में बिलासपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर दोनों का उपचार चल रहा है। एक के सिर पर तो एक के मुंह पर शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय निवासी इंद्र सिंह का कहना है कि दो युवक खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे कि अचानक संतुलन खो जाने के कारण पहाड़ी से नीचे जा गिरे और उन्हें मुंह व बाजू पर चोटें लगी हैं। एक गाड़ी जो है दिल्ली से मनाली को जा रही थी और जामली और छड़ोल के बीच नेशनल हाईवे 2005 के पास जो है दो आदमी जो सेल्फी लेते हुए गोलघाट के नीचे गिर गए और बाद में वो अपने आप ही उठकर सड़क में आ गए। उसके बाद जो उनको रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर ले जाया गया।